नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। देखिए, कल जिस तरीके से सदन में जो कुछ भी हुआ है, सदन के अध्यक्ष विजय सिन्हा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपस में भिड़ गए, उसके बाद अब आरजेडी भी इस मुद्दे में आ गई है, या यूं कहे बहती गंगा में हाथ धोने आरजेडी भी आ गई है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक ट्वीट किया है और आरजेडी के पेज से भी एक ट्वीट हुआ है। पहले शक्ति सिंह यादव का ट्वीट देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा तथा आसन की गरिमा को आज तार तार किया है। जब आसन की ताकती बात नहीं सुनी जाएगी तो सदन बंद कर देनी चाहिए। अधिकारी को बचाने के लिए हर अलोकतांत्रिक आचरण नीतीश कुमार जी अपना सकते हैं, ये बात साबित हो गया है, हद हो गया है। देखिए, ये तो राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने ट्वीट किया है और उसके बाद आरजेडी ने भी एक ट्वीट किया है। आरजेडी के पेज से वो ट्वीट हुआ है। देखिए, आरजेडी ने पहले नीतीश कुमार का वो वीडियो, कल का जो वीडियो है वो डाला, उसके बाद लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार की माने तो माननीय विधायक सदन और सभापति के पास कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा बस हो हल्ला मचाकर विपक्ष को धमकाने और उनके विधायकों को पिटवाने के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक फरमाया था कि बिहार में पूर्णतः पुलिस राज है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। देखिए, जिस तरीके से कल विधानसभा में हुआ है, स्पीकर जो है विजय सिन्हा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बहस कर रहे थे आपस में, विजय सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलतियों को गिनवा रहे थे, कह रहे थे कि आपके अधिकारी जो हैं वो मेरा बात नहीं मानते हैं, दूसरे का तो छोड़ दीजिए, मैं भी सोचता हूं उनसे बात करने में। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में, सदन जैसे शुरू हुआ उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे थे, सारी बातों को सुन रहे थे। और जब राहुल तिवारी जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने सहारा को लेकर कुछ सवाल किया कि सहारा पर कब कार्रवाई होगी, उसके बाद उसका जवाब जो है बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा दे रहे थे, उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में आग बबूला होकर उठे और उसके बाद पूरा लगभग 10 मिनट तक बोलते रह गए। और स्पीकर विजय सिन्हा भी उसके बाद पलटवार किए और उन्होंने अपनी हर दुखों को सुनाया, अपना हर पीड़ा सुनाया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का को। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अभी बैठक करूंगा, और बैठक भी किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बैठक करके अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। देखिए, कल भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया है कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। और उसके बाद फिर जदयू के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बातें गूंजने लगी और अब आरजेडी भी इस मामले में कूद पड़ी है, बहती गंगा में हाथ धोने आ गई है और ट्वीट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है, या यूं कहे बीजेपी के साथ हो गई है आरजेडी। क्योंकि कुछ दिन पहले जब सत्र चल रहा था तो विधायकों को जिस तरीके से पीटा गया था, सदन से बाहर निकाला गया था, वो भी मुद्दा आरजेडी ने रखा है सामने कि जब विधायकों को पिटवाया जाता है, सदन के स्पीकर से बदतमीजी से बात किया जाता है, तो अब बचा क्या है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ट्वीट के बाद क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।